गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का सक्सेस मन चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आज हम करेंगे 8 से 11 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं कुछ वजह से आपके लिए करंट अफेयर्स लास्ट टाइम ला नहीं पाई थी, इसके लिए माफ़ी मांगती हूं। तो 8 से 11 जून हम 4 दिन के करंट अफेयर्स आज की सीरीज़ में लगातार करेंगे। और जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मेंस से रिलेटेड पेपर 1, 2, 3, 4 चारों से रिलेटेड अब मैं जल्द ही नया कोर्स लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों बाद अब यूपी पीसीएस की आपको पता है कि कैलेंडर आ चुका है, तो उसमें डेट मेंशन हो गई है और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी फिक्स हो चुका है। तो अब मेंस आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अभी से जब जितना टाइम आपको मिल रहा है आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, उसके बाद प्री की तैयारी आराम से करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे महत्वपूर्ण दिवस जो कि 6 से 15 जून के बीच में थे। तो हमने 1 से 5 जून के महत्वपूर्ण दिवस कर लिए थे, अब 6 से 15 जून के देखते हैं। तो 7 जून को होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को होता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो 8 जून वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 7 जून का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़। 8 जून को होगा एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है 8 जून को। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, मतलब कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ जो हमने किया सिर्फ 7 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख सकते हैं, विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशन डे याद रख सकते हैं, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये भी आप याद रख सकते हैं, बाकी 8 जून और 13 जून का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 14 जून को होता है विश्व रक्तदाता दिवस, मतलब कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस, वर्ल्ड विंड डे। 15 जून को ही मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये आप याद रख सकते हैं। और जून का तीसरा जो रविवार होता है, जो पड़ेगा इस बार 14 जून को, तो वो होगा वर्ल्ड फादर्स डे, मतलब विश्व पिता दिवस, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है? तो ये आपका किया है अमेज़न ने। अमेज़न ने सभी जो सेवाएं हैं वो हिंदी में लॉन्च की है, जिससे देश के छोटे और मझले उद्योग हैं उनको फ़ायदा होगा और वह आसानी से रजिस्ट्रेशन कर अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर और छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, और इन्होंने 500 करोड़ रुपए की एक संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्यों और पशुओं की मौत को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। तो अभियान का नाम है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सड़कों पर मौतें होती हैं, इनके तहत लोगों को जागरूक और शिक्षित किया जाएगा इस अभियान के तहत। इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनर मैकग्रेगर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी हैं हमारे आयरलैंड के, ये इन्होंने 4 वर्ष में तीसरी बार ये घोषणा की है। वे 2 बार यूएफसी की अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हमारा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन्होंने किया कहा है कि द ग्रेट रीसेट थीम की अद्वितीय ट्विन समिट स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसकी मेजबानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में करेगा। इस कार्यक्रम में विश्व के 400 शहरों से वर्चुअल लिंकअप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद की जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन दिखाया है? तो ये दिखाया है समर्थन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष जो है स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में वार्ता हुई और उन्होंने इसके जो सदस्यता है उसके लिए मजबूत समर्थन का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से, तो ये है रूस से 20,000 टन जो डीजल है वो बह गया है। ये नॉरिक्स शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से हुआ है और ईंधन को अम्बारनिया नदी में मिलने से रोकने के लिए सरकार ने ये अवरोधक लगाए हैं। नेक्स्ट, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की कितने अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? तो ये किया है 2 अरब डोज बनाने के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं कि किसने करार किया है ये वैक्सीन बनाने के लिए। डोज की आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये जो गिलिट साइंसेट COVID-19 के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवा रेमडेसिविर बनाती है। नेक्स्ट, मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय हैं? तो ये पहले भारतीय हैं। तो आप क्वेश्चन ये हो सकता है कि रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो ये मिला है इंडियन शायर और गीतकार जावेद अख्तर को। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष अंग्रेजी विकासवादी जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉक्सिन के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गया है किलियन एम्बापे। ये फ्रांस के पेरिस के सेंट जर्मन क्लब के किलियन एम्बापे दुनिया के महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि लियोनेस मेसी 22nd और यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 70th स्थान पर हैं। इनमें से किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार के घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेंटल सर्विस की स्थापना की है? तो आप ये याद रखेंगे तो ये किया है ऊबर के द्वारा। तो ऊबर ने ये शुरुआत की है और ये सर्विस ऑन डिमांड पर 24/7 उपलब्ध रहेगी और ये सर्विस 189 रुपये घंटे पर किलोमीटर 10 किलोमीटर के एक पैकेज से होगी। ARCI ने किस बीमारी के इलाज के दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है? तो ये है कैंसर के इलाज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए धातु का सामग्री का निर्माण किया गया है। ये मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइंस बंद कर दी हैं? तो ये की है साउथ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का हमेशा आपस में डिस्प्यूट बना ही रहता है, तो ये इसने की है। साथ ही हॉटलाइन भी बंद कर दी है और कम्युनिकेशन लाइंस को नॉर्थ और साउथ के संयुक्त संपर्क कार्यालय को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब देशों में दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है हमारी संयुक्त अरब अमीरात ने। इन्होंने अरब देशों की दुनिया ये मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश है और ये मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस कोरोना महामारी के बीच में। नेक्स्ट, किस देश के मानव रहित सब मर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चीन के मानव रहित सब मर्सिबल ने सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस गोता लगाने के दौरान नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं और भूगर्भीय वातावरण के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र भी यहाँ पर खींचे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी खबर है यहाँ पर कि किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है। तो ये किया गया है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में एक भी मामला सक्रिय नहीं है। लगभग 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 1154 मामले थे, जिसमें से 22 मौतें भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। 9 जून 1900 को अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्राजील की अमांडा नुनेस ने यूएफसी 250 में फेलिसिया स्पेंसर को हराकर कितने कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली महिला फाइटर बन गई है? तो ये बनी है 2 कैटेगरी की, सेकेंड कैटेगरी की मतलब। और अमांडा नुनेस वर्ष 2016 में बैटमवेट कैटेगरी की चैंपियन भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग किस देश में 13 जून से दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या चीन। तो ये खेला जाएगा न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड अब कोरोना मुक्त घोषित हो चुका है। और इस इवेंट का पहला मैच ड्यूनेडिन में हाइलैंड्स और चीफ के बीच होगा, जिसका मुकाबला लगभग 25,000 दर्शक देखने की उम्मीद है। SBP की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो ये रहने वाली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे अधिक महंगाई दर रहने वाली है। और SBP के मुताबिक इस वर्ष पाकिस्तानी रुपए में विश्व भर के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही, क्योंकि वो 3-4 दिन के थे इसलिए आज के करंट अफेयर्स ज़्यादा थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस का वेट करें। मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं और आप लोगों का कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।